हेलो जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, ऐसा सभी को पता होगा कि मैं आपको हर दिन नए नए कंपनी के बारे में बताता रहता हूं, मैं आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आखिर जॉब आपको कैसे मिलेगी। जो भी हमारे भाई बेरोज़गार हैं उनको जॉब दिलाता हूं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये काम करके। काफ़ी लंबे समय से मैं ये काम कर रहा हूं, और काफ़ी तजुर्बा और अनुभव भी हो चुका है कि कौन बंदा जॉब करना चाहता है और कौन बंदा नहीं, और कौन जॉब देना चाहता है कौन नहीं। तो आज हम आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि आखिर आपको जॉब कैसे मिलेगा। पूरा रिक्रूटर का नंबर, मैनेजर का नंबर, यहाँ तक कि जॉब मिलेगा कैसे, प्रोसेस क्या होता है, सैलरी वगैरह, सारा कुछ डिस्कस आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम करने वाले हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पज ही है इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप सभी तक ये बात पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देखना और शेयर भी करना, जिससे कि आप सभी को जॉब मिल सके। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिलेगा सर, 100%। वाई एस एफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वाई एस एफ के थ्रू आपको जॉब मिलेगा। ये थर्ड पार्टी पेरोल जॉब है। अगर हम कंपनी का नाम लें तो सनसेरा इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है। इसमें एज ए ऑटोमोटिव कंपनी है, गाड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बहुत बड़ी प्लांट है। अगर हम बात करें इसमें किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को ले रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को देखना स्किप मत करना, एंड तक देखना, तभी आपको जॉब मिलेगी। ध्यान रखना, आप पूरी वीडियो नहीं देखते, आप कॉल कर देते हो फटाफट से, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले उसको समझो आप। अगर मान लीजिए मैंने इसमें 12th और ITI बोल रखा है, तो सिर्फ 12th एंड ITI ही जाएंगे। अगर मैंने इसमें डिप्लोमा और BTEC बोल रखा है, तो सिर्फ डिप्लोमा और BTEC ही जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखकर ही कॉल करना है, क्योंकि देखो यार, HR रिक्रूटर इतने खाली नहीं बैठे हैं सर कि कॉल पिक करें, आपको लाइनअप आपका ले, उसके बाद फिर आप एन मौके पे बोल दो कि सर हम नहीं आ सकते। जो करने वाले हैं वही आना, और क्योंकि वो भी आगे बोल देते हैं ना कंपनी को कि सर हमारे इतने कैंडिडेट आने वाले हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, सैलरी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि YSL सैलरी के नाम से ही जानी जाती है। टाइम टू टाइम सैलरी जो उसका ड्यू है, उस तारीख में आपका आना ही आना है। 7 से 10 के बीच में सैलरी का जो ड्यू होता है, उस डेट में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और अगर हम बात करें, कंपनी का नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग, जो एड्रेस होने वाला है सेक्टर 6 IMT मानेसर गुड़गांव का होने वाला है, क्योंकि गुड़गांव के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे। लो, आपके बोलने पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जाओ आओ। ठीक है, स्टाइपेंड इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें जो आपकी स्टाइपेंड है वो 12th वालों की जो स्टाइपेंड है वो 12,700 है। ठीक है, फॉर 8 आवर्स का, 8 आवर्स 26 डेज की। ठीक, ITI वालों की जो सैलरी है वो है 13,700 रुपये फॉर 8 आवर्स की। आप एज अ अप्रेंटिस के तौर पे रहोगे। बात करें IMT मानेसर का लोकेशन होने वाला है गुड़गांव का। ठीक है, तो प्रोफाइल जो होने वाला है एज ए अप्रेंटिस के से आप रहोगे, आपसे अप्रेंटिस कराया जाएगा। और आपको पता है अगर अप्रेंटिस के तौर पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो लेबोरियस जॉब से बहुत दूर रहते हो, लेबर वाला जॉब नहीं मिलता। इसमें जो शिफ्ट होती है वो ABC शिफ्ट होती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं और ITI वालों को लिया जा रहा है इसमें। ठीक है, 12th एंड ITI वालों को इसमें लिया जा रहा है। अब सैलरी क्या मिलेगी उनको, ये भी तो जानना जरूरी है आपके माइंड में, ये इस तरह सैलरी क्या होगी। तो इसमें ग्रॉस स्टाइपेंड जो आपको दिया जा रहा है 12th पास की जो सैलरी होगी 12,700 होगी। ठीक है, फॉर 8 आवर्स 26 डेज की। ITI वालों की जो सैलरी है 13,700 है फॉर 8 आवर्स 26 डेज की। अभी समझता है, कैंटीन 20 रुपये में है अवेलेबल, अच्छा खाना मिलता है। देखो यार, 20 रुपये में आज के डेट में ना, अगर हम बात करें कहीं खड़े होते हैं ना, तो भाई चाय में ही चले जाते हैं, बिस्किट ले लिया 20 रुपये ख़त्म। लेकिन यहाँ पे कंपनी पूरा मील आपको दे रही है, पूरा पेट भर खाना खिला रही है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। महीने के आपके 600 रुपये लगेंगे, सोचो। कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं भाई साहब जो एक टाइम का 600 से 700 रुपये खाते हैं होते हैं, लेकिन यहाँ भी खाना अच्छा मिलने वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कंपनी खुद पे करती है ना। OT सिंगल है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। जब कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो OT चलेगी। अभी आप पूछ रहे होंगे इसरार भाई, यार इसमें तो ABC शिफ्ट, 3 शिफ्ट है, तो इसमें OT कैसे चलती है? तो मैं बता दूँ, OT इस तरीके से चलती है, जैसे मान लीजिए कि आप A में हो, ठीक है, या फिर B में हो और C वाला बंदा नहीं आया, या फिर ए में हो बी वाला बंदा नहीं आया, तो एक उठा के बी में डाल देंगे। तो कितना के घंटा मिला, 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है, तो 8-8 घंटे का आपको OT मिलता है। एक बार OT कर लो आप, छुट्टी है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इस तरीके से OT मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई OT नहीं, सही कह रहा हूँ, 3 शिफ्ट है तो कैसे OT लगेगा, वो लगेगा जब बंदे मिस करते हैं, नहीं आते, छुट्टी करते हैं, तो उसमें आपको डाल दिया जाता है, राइट। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना होता है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया अदर बेनिफिट्स क्या क्या होने वाली है, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट आफ्टर कंप्लायंस ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस ऑन अ कैरियर एडवांसमेंट एडवांसमेंट। देखो यार, इसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट बहुत मान्य रहेगा। जो ये सर्टिफिकेट रहेगा ना अप्रेंटिस का, ये अलग ही होता है। अभी यार कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भाई साहब मेट्रो की जॉब की, उसमें उस बंदे को लिया जा रहा था जिसने अप्रेंटिस कर रखा हुआ। मैटर ये नहीं किस कंपनी से कर रखा, मैटर ये है कि आपने किया है अप्रेंटिस या नहीं किया। सोचो, अच्छे अच्छे बंदे हाथ मलकर रह गए थे और जिन्होंने अप्रेंटिस किया था उनकी सिलेक्शन हो गई। आप लोगों ने शायद वो वीडियो मेरी देखी होगी। और ये चीज़ें हैं, बाकी लोकेशन वगैरह सारा कुछ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो बाकायदा आप उनसे लोकेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे आपको सूरज सिंह मिलेंगे, सूरज सिंह का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, तो आपको जहाँ दिल करे वहाँ से उठा के आप कॉल कर सकते हो। लेकिन कॉल का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच। वैसे इमरजेंसी अगर आप पहुँच चुके हैं वहाँ पे तो फिर व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, वो आपको रिसीव करेगा, प्रॉपर जॉब दिलाने का वर्क करेगा। 100% मैं कह रहा हूँ ना, ये जॉब पक्की है, क्योंकि मैं इनको जेन्युइन इनको जानता हूँ, इनसे मिला हूँ, मीटअप हो चुका है हमारा। तो इन्होंने मुझे JD भेजा कि सर अभी हमारे यहाँ हायरिंग चल रही है, तो प्लीज़ आप एक वीडियो बनाए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो मैंने कहा क्यों नहीं सर, हम तो चाहते ही हैं कि लोगों को जॉब मिले। और यकीन मानिए अगर आपके थ्रू मिलता है, देखिए सूरज जी के मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और ये एक ऐसा बंदा है जो प्रॉपर काम करता है। देखो जेन्युइनिटी ही बताऊँ, एक भी कॉल मिस नहीं करते। इनका बैकग्राउंड मैंने डाला है, सारा देखा हुआ है, तो कॉल पिक नहीं करते, प्रॉपर ये ना वर्किंग करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो यार, जो भी बंदे कॉल करेंगे तो भाई ये प्रॉपर पिक करेंगे। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा कहीं नहीं लगेगा। हाँ, अगर रूम जहाँ लेते हो तो भैया देखो अलग बात है कि भाई रूम का तो हर जगह लगता ही लगता है। ऐसा नहीं कि रूम का हमें कंपनी फ्री में दे देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम सीख लेते हैं, एक साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंपनी को अगर लगता है कि हाँ ये हमारे रोल पे हो सकता है, अपने रोल पे रखता भी है और आपको रूम वगैरह भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन उसके लिए हमें कंपनी में काम करके दिखाना होगा। काम करने के लिए हमें कम से कम 1 साल कंपनी को देना होगा। यार 1 साल बहुत होते हैं खुद को प्रूफ करने के लिए, रियली बता दूँ 4 से 5 महीने ही बहुत है यार। कंपनी समझ जाता है कि ये बंदा रुकने वाला है, ये बंदा जाने वाला है, तो प्रॉपर हो आपका चेहरा है। यार बंदे जो पर डे ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, पर डे देख रहे हैं बंदों को, तो देख के शक्ल बता दें कि बंदा रुकने वाला है या नहीं रुके। क्योंकि यार इंटरव्यू के बाद वो भी बंदे यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले और उनकी हायरिंग हो। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड 2 कॉपी, पैन कार्ड का 2 कॉपी, 10-12 मार्कशीट 2 कॉपी, फोटोग्राफ्स 2 पीस, आधार अकाउंट 2 कॉपी, ठीक है, आधार सीडेड अकाउंट, ठीक है, या बैंक अकाउंट सीडेड अकाउंट, वो आप क्लियर कर सकते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लोकेशन मैप दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप जा सकते हो। गुड़गांव का ये लोकेशन होने वाला है, सनसेरा इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। और सैलरी की बात करें तो बाकी जगहों से सैलरी ठीक है। ITI वालों की बाकी जगह पर कितना है, 11,700, यहाँ कितना दे रहा है 13,700। 12th वालों कितना, 10,600, यहाँ कितना है 12,700, तो ये फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको पता चलता रहे आखिर वैकेंसी है कहाँ पे। हालांकि इनके पास बहुत सारी कंपनी है सूरज जी के पास, तो पहले इनके पास आप जाइए, शिफ्ट होइए और जॉब करिए।